बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है करेक्शन का, इसमें आपको बेशुमार टेक्निक्स मिलेंगी और टेक्निक के साथ साथ आपके पूरे पूरे नंबर भी आएंगे इंशाल्लाह। करेक्शन पर पूरी कमांड होगी, पेपर में पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट करेक्शन है, वेयर दिस रोड लीड्स टू, ये सड़क कहाँ जाती है, ये प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है। अब इसमें ध्यान में रख लें, जिस फिक्र में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आ जाए, अगर फिक्र प्रेजेंट डेफिनेट तो फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब लाजमी आता है। प्रेजेंट डेफिनेट में अगर फिक्र सवालिया है तो फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मतलब क्यों कब कैसे के साथ आ जाए। तो नंबर वन पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, नंबर टू पर डू डज, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अगर इसमें डू डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका फिक्र गलत हो जाएगा। तो वेयर डज दिस रोड लीड टू, वेयर डज डी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आएगा, प्लूरल के साथ डू, और जब डू या डज का इस्तेमाल होता है तो फिर ये एस्क नहीं आएगा वर्ब के साथ, फिर एस्क को ड्रॉप कर देंगे। वेयर डज दिस रोड लीड टू, लीड टू एस नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, ही सेड, उसने कहा, डैड ही इज टेलिंग अ लाई, उसने कहा कि वो झूठ बोल रहा है। अब इसमें भी टेक्निकल पॉइंट क्या है, अगर किसी फिक्रे के दो हिस्से हों, फर्स्ट पार्ट जो है वो माजी में हो तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली माजी में ही जाएगा। अब ही सेड, उसने कहा, डैड ही इज टेलिंग अ लाई, कि वो झूठ बोल रहा है, तो ही वाज टेलिंग अ लाई, फिर यहाँ पर वाज आ जाएगा। क्यों वाज आएगा, पहला हिस्सा अगर पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट में आएगा। जब तजमा करेंगे तो तजमा प्रेजेंट में होगा, उसने कहा कि वो झूठ बोल रहा है, तजमा प्रेजेंट में चलेगा। इंग्लिश करेंगे तो पास्ट में होगी। तो आई रीच्ड एट द स्टेशन इन टाइम, मैं बर वक्त स्टेशन पहुंच गया। ये मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ कि जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो दरमियान में कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं आएगी। तो आई रीच द स्टेशन इन टाइम, इसमें से एट नहीं आएगा। रीच के बाद कभी कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगी, तो दो नंबर आपके पक्के हो गए। नेक्स्ट देखें, आई लव टू माई स्टूडेंट, इसमें भी मैं अपने तलब इल्मों से प्यार करता हूँ, इसमें भी लव और ऑब्जेक्ट मतलब ये वर्ब और ऑब्जेक्ट, जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं दरमियान में कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगी, तो फिर इसको टू को हमने ड्रॉप कर दिया, तो आपका जो है आपकी आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। आई लव माई स्टूडेंट, मैं अपने तलब इल्मों से प्यार करता हूँ। तो उसके बाद ये भी एक यूज़ है, लेस डैश शुड का यूज़ है, लेस डैश शुड का, कहीं ऐसा ना हो। ये जब हमारा चैनल आप प्रोफेशनल टिप्स वीडियो देखेंगे उसमें हमने ये यूजेज बेशुमार दिए हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाच करें, आपको हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस मिलेगी। वॉक फास्ट, तेज़ी से चलो, लेस्ट यू शुड, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हमेशा शुड आएगा। लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ये लेस्ट के बाद सब्जेक्ट के फोन बाद शुड आता है, ये यूज है लेस्ट डैश शुड का। तेज़ी से चलो, वॉक फास्ट, तेज़ी से चलो, कहीं ऐसा ना हो आप गाड़ी से रह जाओ। तो ये इसकी करेक्शन थी। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपके जो भी टेक्निक्स हैं आपके जहन में ये आ चुकी होंगी, और नेक्स्ट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बेशुमार टेक्निक्स मिलेंगी और करेक्शन में आपका एक नंबर भी कम नहीं होगा। अल्लाह हाफ़िज़।